हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में न्यू अपडेट। आपसे बता दूं फ्रेंड कि जो इसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आता है जिस वीडियो पे, जो टॉपिक पे, उसी पे हमारा वीडियो रहता है, ठीक है ना। तो आजकल आपका सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है इजराइल जॉब्स के बारे में, यानी कि इजराइल की सैलरी कितनी मिलती है, इजराइल का इंटरव्यू, इजराइल का मेडिकल, इजराइल का वीज़ा, ठीक है ना, इजराइल का मेडिकल कैसा होता है, इजराइल का वीज़ा कब आएगा, इजराइल का क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, और इंडिया के बेस्ट ऑफिस कौन सी है जिसमें इजराइल का इंटरव्यू चल रहा है। तो ये सब पे सबसे ज़्यादा हमारे भाई लोग का कमेंट आता है। और फाइनल इजराइल जाने में कितना पैसा लगता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आया है। तो फ्रेंड, इसी टॉपिक पर वीडियो बनने वाला है। तो फ्रेंड प्लीज़, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं बेक्टल कंपनी में सऊदी अरब में। अभी यहां का टाइम हो रहा है 10:20, यानी कि नाइट का है, ठीक है, और यानी कि इंडिया का टाइम लमसम 12 क्रॉस कर दिया, यानी 12 बज रहा है, 12:12 PM, ठीक है ना। अभी कुछ देर में वहां मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड, अभी इतना रात को मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जाए। जो भी हमारे भाई लोग का कमेंट आता है, आप लोग देखते हैं, आप मेरे वीडियो पर जाकर विजिट कीजिएगा और चेक कर लीजिए। मैं टोटल जो भी भाई लोग का कमेंट आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुरंत रिप्लाई दिया जाए। और तुरंत अगर टाइम नहीं मिलता है, मुझे भी जॉब करना है या जॉब करता हूँ, अगर टाइम नहीं मिलता है तो जैसे हमको टाइम मिलता है सबसे पहले मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है ना। और उसी कमेंट को छाट कर मैं वीडियो बनाता हूँ जिसपे सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो बना दिया, अपलोड कर दिया, उसके बाद से कमेंट का जवाब ना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेरा मकसद यही है कि एक भी भाई का कुछ भी हेल्प हो जाए तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है। और यही मकसद है, मैं यूट्यूब पे भी जुड़ा हूँ। सो फ्रेंड, आज मैं 4-5 टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्री रिक्वायरमेंट, इजराइल का फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, क्या फ्री रिक्वायरमेंट और चलेगा, और जो भाई लोग इजराइल का इंटरव्यू दे दिए उनका रिजल्ट कब आएगा और उनका फ्लाइट कब होगा, ठीक है ना। इस पर और उसके बाद से क्या गमका का मेडिकल होगा इजराइल जाने के लिए, मेडिकल कैसा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट इसी टॉपिक पर आता है। और इसके बाद से इजराइल में जाने के बाद कितना सैलरी मिलेगा, मैंने फाइनल जो सैलरी है वो कितना मिलेगा इंडिया का, ठीक है ना, इजराइल का सैलरी कितना मिलेगा और इंडिया का सैलरी वो यहाँ पे हम भेजेंगे, इंडिया का सैलरी हमारा कितना बनेगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा कमेंट आया है कि केवल गल्फ एक्सपीरियंस चलेगा, यानी कि जो सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान जो लोग रहे हैं केवल वही लोग इजराइल जाएंगे, या फ्रेशर जो लोग इंडिया में, हम इंडिया में काम किए हैं तो हम भी इजराइल जा सकते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आया। ये भी टॉपिक रहेगा। और जेन्युइन कहाँ से इंटरव्यू दे, यानी कि मुंबई की, इंडिया की कौन सी बेस्ट ऑफिस है जहाँ से इंटरव्यू दिया जाए कि फाइनल फ्लाइट हमारा हो जाए, यानी कि काम हमारा हो जाए, ठीक है। तो ये 5-7 टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो अगेन फ्रेंड, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिए, मैं बता रहा हूँ सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है ना। सो फ्रेंड, आते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में, इजराइल का फ्री रिक्वायरमेंट जो है। फ्रेंड, आपसे बता दूँ कि राजस्थान, ठीक है ना, उसके बाद से यूपी, हरियाणा, ये सब राज्य में, यानी कि राजस्थान और हरियाणा में अभी, राजस्थान और यूपी में अभी फ्री रिक्वायरमेंट चल रहा था। अब फ्री रिक्वायरमेंट मैं पहले ही बताया, मेरा फर्स्ट वीडियो जो है इजराइल पर, मैं बताया कि श्रम विभाग, ठीक है ना, श्रम विभाग ऑफिस में पंजीकरण हो रहा था, ठीक है ना, फ्री रिक्वायरमेंट के लिए। यानी कि फ्री रिक्वायरमेंट कैसे हुआ, सबसे पहले मैं बता दूँ कि फ्री रिक्वायरमेंट ये गवर्नमेंट करा रही थी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के फ्री रिक्वायरमेंट करा रही थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जब कोई रिक्वायरमेंट कराती है तो टोटल जो भी खर्चा लगता है, यानी कि इजराइल से जो भी क्लाइंट यहाँ पे आएंगे, ठहरेंगे, होटल का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, जो भी उनका मतलब सुविधा होगा, वो टोटल खर्चा गवर्नमेंट उठाता है, गवर्नमेंट के पैसे से लगता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ही वीजा देगा, फ्री वीजा, ठीक है ना, वहाँ पर जाने का जो भी पैसा लगेगा गवर्नमेंट पे करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फ्री रिक्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है ना। और आपसे बता दूँ कि यूपी में ऑलरेडी इंटरव्यू हुआ अभी अलीगंज में, लखनऊ में, ठीक है ना, और राजस्थान में भी हुआ, ठीक है ना, अभी राजस्थान में चलने वाला है, ठीक है, हरियाणा में भी चलने वाला है, ठीक है ना। तो इस पर भी हम बात करेंगे, अभी कौन कौन से राज्य में, 4-5 राज्य में और चलने वाला है। और अपना डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होगा, मैं नहीं सोचता हूँ कि जो भी भाई लोग जाना चाहते हैं वो चले जाए, समझ लीजिए, कोई भाई हमारा छूट ना पाए। क्योंकि आपसे बता दूँ कि अभी बेरोजगारी का बहुत दौर चल रहा है, समझ लीजिए, और इतना सैलरी आप यहाँ पे, आपसे मैं बता दूं कि कतर और सऊदी में आप इंजीनियर में भी आके नहीं कमा पाएंगे जितना इजराइल में आप जाकर कमा सकते हैं, कमाएंगे। आपसे मैं बता दूं कि सैलरी जो है वो लाखों में है, ठीक है ना, वो भी मेसन में, स्टील फिक्सर में, सेटी कारपेंटर में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो फ्री रिक्वायरमेंट है, श्रम विभाग का जो ऑफिस
से उस पर पंजीकरण कराना पड़ता है। मैं आपसे बता दूँ कि बिहार में, मिजोरम में, ठीक है ना, तेलंगाना में और हिमालय प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ये सब राज्य अभी मांग किया है इंटरव्यू कराने के लिए। 5-6 राज्य जो स्टेट है वो इजराइल गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट से मांग किया है कि हमारे स्टेट में आप आइए और फ्री में इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू कराया जाए, हमारे स्टेट के भी बंदे को लेकर जाया जाए, ठीक है ना। आपसे बता दूँ कि 1 से 1.5 लाख वर्कर जाएंगे इजराइल में, ठीक है ना। तो अभी ये लंबा प्रोसेस चलने वाला है, लंबा इंटरव्यू चलने वाला है, फिर अगेन वैकेंसी फ्री रिक्वायरमेंट का जल्दी निकलने वाली है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है मैं बता रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, पंजीकरण कराने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि पासपोर्ट कंपलसरी है, यानी कि पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, चाहे ECR हो या ECNR हो। पहले ऐसा था कि नहीं, जो ग्रेजुएशन किया है, जो इंटर पास किया है, जो मैट्रिक पास किया है वही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट, और ECNR का मतलब है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायरमेंट, यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि आपका इमिग्रेशन नहीं होगा पासपोर्ट का, यानी कि आप मैट्रिक पर बनाए हैं, ठीक है ना। और ECR का मतलब होगा आपका इमिग्रेशन होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गवर्नमेंट आपको करा कर देगी, ठीक है ना। अगर आप श्रम विभाग से जा रहे हैं फ्री रिक्वायरमेंट में, तो टोटल जो भी पैसा लगेगा सब गवर्नमेंट मतलब आपका फ्री में कराएगी, ठीक है ना। तो जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद से फोटो आपका होना चाहिए, ठीक है ना। ब्लू बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड दोनों फोटो आप खिंचा कर रख लीजिएगा, पासपोर्ट अपना रेडी करा कर रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद CV और बायोडाटा, ठीक है ना। बायोडाटा यानी कि अपना जन्म, उसमें पूरा जन्म कुंडली रहता है, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जन्म तिथि से लेकर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं और आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, ये एड्रेस उस पर रहता है। आपका पापा का नाम, आपका 2 मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, उसके बाद से आप कहाँ कहाँ काम की है, आपके एक्सपीरियंस कितने साल का है, ये उस पर रहता है, ठीक है ना, बायोडाटा पर, तो ये चीज़ रहता है। उसके बाद से पासपोर्ट का इशू डेट और पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, ये उसमें होना चाहिए, जिसको हम लोग बायोडाटा बोलते थे, ये आपका होना चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि इंडिया में आप कहाँ कहाँ पर काम किए, कितने साल काम किए हैं, कौन कौन सा कंपनी में काम किए हैं, ठीक है ना, ये उस पर होना चाहिए कि ये कंपनी में काम किया हूँ, इतने साल काम किया हूँ, तो ये उस पर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये आपके पास होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो भी भाई लोग फोरमैन से जाना चाहते हैं, यानी कि स्टाफ ट्रेड में, तो उनके लिए मैं आपसे बता दूँ कि ITI और डिप्लोमा, ये कंपलसरी है, या तो ITI होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो दिल्ली में रिक्वायरमेंट चल रहा है, जिसका शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, अभी फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चल ही रहा है, तो उसमें जो सिविल फोरमैन था उसमें डिप्लोमा कंपलसरी मांगा था, ITI या डिप्लोमा कंपलसरी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपका डिप्लोमा होगा उसका कागज अपना रेडी करके रखिएगा, ठीक है ना, अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो इतना डॉक्यूमेंट्स बताया, ये इतना होना चाहिए आपका पंजीकरण के लिए, केवल जो फ्री में रिक्वायरमेंट जो आता है, फ्री में रिक्वायरमेंट होगा और स्टेट में, तो इसके लिए इतना डॉक्यूमेंट्स आपका पंजीकरण के लिए होना चाहिए। ये ना कि रिक्वायरमेंट आ गया उसके बाद से अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने लगे, तो उसी में पता लगेगा 10-15 दिन इसी में लग जाएगा। तो इसीलिए पहले से आप बनवा के रखिए कि जैसे फ्री में रिक्वायरमेंट आए वैसे। आपसे मैं बता दूँ कि सैलरी रियल में लाखों है, आपसे बता दूँ कि कम से कम जो सैलरी है 1,38,000 रुपया है लमसम 8 घंटे का। और आपसे बता दूँ कि वो स्टार्टिंग सैलरी है, उसके बाद से 15,000 हर महीना बोनस है। बता दूं कि इतना कम, इतना ज़्यादा सैलरी कहीं पे भी नहीं है। अभी यहाँ पे सऊदी में 15,000 से 20,000 लोग रुपये हेल्पर में आके काम कर रहे हैं, 70 KD 80 KD पर, सऊदी का 700-500-600 रियाल पर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब बताइए स्टील फिशर और मेसन में, ये ट्रेड में यहाँ पे 1,800 रुपये मिला है, ये ट्रेड में आप जाकर 1,30,000-40,000-1,50,000 रुपये कमाएंगे, कोई कम चीज़ थोड़े नहीं है। इतना सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कहीं पर भी आप चले जाइए, अमेरिका भी चले जाइए, आज के डेट में तो नहीं मिलेगा। पहली बात कि फ्री में अमेरिका नहीं जा सकते, क्योंकि अमेरिका जाने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपया आपको होना चाहिए जेब में, तब जाकर आप जा पाएंगे। कनाडा भी 5 लाख रुपया होना चाहिए, तब जाकर जा पाएंगे। हाँ, सर्बिया और भी ये है कि कभी कभी फ्री रिक्वायरमेंट यूरोप का निकलता है, लेकिन वो कभी कभी निकलता है, लेकिन इतना सैलरी नहीं देता है, 80,000-1,00,000 तक लास्ट है समझ लीजिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एकदम हाई सैलरी है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स का बात, ठीक है। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपका एज कितना होना चाहिए। तो आपका एज फ्रेंड आपसे मैं बता दूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करेंगे, तो इसके बाद आपका जो पासपोर्ट पर एज
होना चाहिए वो 25 से लेकर 45 के बीच होना चाहिए, यानी कि 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में होना चाहिए आपका उम्र, यानी कि 25 साल से अगर कम है आपका, 24 साल है, 24.5 है, तो आपका फ्लाइट नहीं होगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा, क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद से 45 से ज़्यादा यानी कि 46 साल यानी 46 ईयर आपका एज होगा तो भी आपका फ्लाइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट इस टॉपिक पर आया था कि मेरा एज 21 है, कोई बोल रहा था मेरा 23 है, कोई बोल रहा था, एक भाई हमारे कमेंट किए थे कि 47 है तो मेरा होगा क्या फ्लाइट, मेरा सिलेक्शन होगा, तो भाई नहीं होगा, 45 के बीच होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स का जो काम है, कागज पत्र का, एक दिन अगर ज़्यादा रहेगा तो नहीं होता है, ठीक है ना, एक दिन कम रहेगा तो नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आपका एज बराबर है तभी आप जाइएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है, नहीं तो पूरा जाने आने का खर्चा और समय सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है, फिर बाद में बोलेंगे भाई आप बताए नहीं थे। तो इसीलिए मैं इतने रात को वीडियो बना रहा हूँ कि मैं विधो से विस्तृत जानकारी यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूँ। हाँ, और एक एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपके घर का सदस्य कोई पहले से काम नहीं करता है इसराइल में, कोई काम नहीं किया है अगर, क्योंकि इसराइल जॉब का एक रूल्स है कि इसराइल गवर्नमेंट बोला है कि अगर जो आदमी जिसके परिवार का आदमी अगर यहाँ पर पहले से काम किया है वो आदमी का फ्लाइट नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम है जो इसराइल जाएंगे, ठीक है ना, इसके पहले कोई फैमिली आपका वो इसराइल अगर रहा है तो आप नहीं जा सकते, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसके बाद सबसे ज़्यादा भाई लोग का कमेंट ये आता है कि आया है कि गमका का मेडिकल का मेडिकल कैसा होगा, हार्ड मेडिकल होगा, नॉर्मल मेडिकल होगा, तो भाई आपसे बता दूँ गमका का मेडिकल नहीं होगा, इसका टेंशन मत लीजिए, बिंदास रहिए, लेकिन हाँ गमका का मेडिकल नहीं होगा, इसके मतलब ये नहीं है कि आपका मेडिकल मतलब मेडिकल हार्ड नहीं होगा, मेडिकल हार्ड का मतलब ये है कि बीपी शुगर रहेगा नॉर्मल तो चलेगा, लेकिन आपको कैंसर है, एचआईवी हो, तो आप नहीं जा सकते हैं इसराइल, ध्यान में रखिएगा। इसके पहले आप मेडिकल अपना चेकअप करा लीजिए, कैंसर, एचआईवी, टीबी, ये जो बड़ा बड़ा रोग है ना, अगर ये आपको है तो आप इसराइल नहीं जा सकते हैं, तो नॉर्मल मेडिकल होगा लेकिन इतना नॉर्मल नहीं होगा कि ये बड़ा बड़ा बीमारी आपको अवॉइड कर दिया जाएगा। हाँ, वही चलेगा कि नॉर्मल शुगर है, नॉर्मल बीपी है, तो आप दवा खाकर आप जा सकते हैं, आई में थोड़ा नॉर्मल प्रॉब्लम है, चश्मा लेके जा सकते हैं, ये चीज़ है मैं बता रहा हूँ। गमका का जैसा उतना हार्ड नहीं है, हाइड्रोसिल में थोड़ा प्रॉब्लम है तो जा सकते हैं, बसीर है थोड़ा तो जा सकते हैं, लेकिन हाँ बड़ा बीमारी जो है उसमें वो लोग चेक करेंगे, हाँ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इंटरव्यू देने से पहले सोच लीजिएगा, यानी कि आपका मेडिकल का प्रॉब्लम है, कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है, सीने में दाग है, और आप चले गए इंटरव्यू दे दिए और मेडिकल कराए तो आप अनफिट हो गए, तो बोलेंगे करिए यार कोई पता नहीं, ये सब चीज़ ज़्यादा लोग शेयर नहीं करता है, बताता नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ठीक है ना, क्योंकि इंटरव्यू देने से पहले आप अपना चेकअप करा लें, ठीक है ना, चेकअप करा के उसके बाद से जाए इंटरव्यू दें। हाँ, इसके बाद से क्या फ्रेशर चलेगा या रिटर्न, तो आपसे मैं बता दूं कि इसराइल जॉब के लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी चलेगा, यानी कि जरूरी नहीं कि आप गोल्फ एक्सपीरियंस काम किए हैं तो ही नहीं, आप इंडिया में भी काम किए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, और कितने लोग पास हो गए हैं, ठीक है ना, अभी दिल्ली में चला डायनेमिक ऑफिस में, वहाँ पे भी हुआ फ्रेश कैंडिडेट, लखनऊ में भी चला वहाँ पे भी फ्रेश कैंडिडेट मांग रहा है ऑलरेडी इसराइल कंट्री, इसराइल गवर्नमेंट फ्रेश कैंडिडेट को मांग रहा है, ये नहीं जरूरी है कि आप सऊदी में काम किए हैं तो ही आप जाएंगे, आप इंडिया में भी काम किए हैं तो भी आप जाएंगे। हाँ, आपको इंटरव्यू प्रैक्टिकल इंटरव्यू देना होगा, पास करना होगा, ये ध्यान में रखिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि आप इस कौन सी बेस्ट है इंडिया की इजराइल जाने के लिए, मानी कहाँ से इंटरव्यू दे जेन्युइन तरीका से कि हमारा फ्लाइट हो जाए, तो आपसे मैं बता दूं कि कोई भी ऑफिस में आप इंटरव्यू मत दे दीजिए, कोई भी बोल देगा, एडवर्टाइजमेंट निकाल देगा कि हाँ यहाँ पे छपरा में इंटरव्यू है, गोरखपुर में इंटरव्यू है, तो दौड़े मत चले जाइएगा पासपोर्ट लेकर अपना, तो पासपोर्ट भी ले लेगा, 2 लाख रुपया भी आपको लेकर फंसा देगा समझ लीजिए, और 2 लाख रुपया आपको मालूम है कि आप 2 लाख रुपया कमाने में कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कहाँ से पैसा निकलेगा, तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा बात नोट कर लीजिएगा कि डायनेमिक ऑफिस दिल्ली यानी कि इंडिया की बेस्ट ऑफिस, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंडिया की सबसे टॉप ऑफिस है, उसके बाद से अम्बे कंसल्टेंसी, ठीक है ना, एशिया पावर, ये 2-3 ऑफिस में अभी इसका रिक्वायरमेंट अभी तक मैं देखा, और कहीं पे भी नहीं देखा, और मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, अब मेरे जैसा कितने लोग बताए भी हैं, डायनेमिक ऑफिस, अम्बे कंसल्टेंसी और एशिया पावर, यही 2-3 ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट मैं देख रहा हूँ, इसके बाद और किसी ऑफिस में अभी तक मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं डेली पेपर चेक करता हूँ, समझिए गोल्फ पेपर मैं पर डे चेक करता हूँ, शाम को सुबह में, समझ लीजिए, तो कोई भी अच्छा ऑफिस रहता है तो समय अच्छा रिक्वायरमेंट रहता है तो तुरंत उसमें शो करता है, जो भी अच्छा ऑफिस मैं इन्फॉर्मेशन करता हूँ आपको बताता हूँ, तो कोई भी ऑफिस में मत चले जाइए, किसी कहने पर मत चले जाइएगा, एजेंट तो बिल्कुल मत पकड़िएगा, इससे अच्छा क्या है कि आपका गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रहा है, फ्री रिक्वायरमेंट भेज रहा है,
मिलेगा इजराइल, यानी कि आप अगर फ्री में जाना चाहते हैं तो श्रम विभाग का जो ऑफिशियल उसमें पंजीकरण कीजिए, इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। और ध्यान रखिए कि जो भी इंटरव्यू निकले तुरंत, हाँ इजराइल का इंटरव्यू है फ्री में जाए, तुरंत अपना जाकर पंजीकरण कराइए, फ्री में जाइए। अरे फ्लाइट होगा तो होगा, नहीं होगा तो आपके कोई पैसा थोड़े नहीं लगेगा, फ्री रिक्वायरमेंट है। और नहीं अगर पैसा भर के जाना है ये सब ट्रेड में, अगर वहाँ से चूक जा रहे हैं फ्री में, तो अगर पैसा भर के जाना है, पैसा रखे हैं, तो डायनेमिक ऑफिस बॉम्बे कंसल्टेंसी में भी चल रहा है, ठीक है ना। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चल रहा है, अभी 8 तारीख तक चलेगा। एशिया पावर में भी फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अभी चलेगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे डायनेमिक में फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू मैकेनिकल का चल रहा है, एशिया पावर और बॉम्बे कंसल्टेंसी में सिविल डिपार्टमेंट का चल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपसे बता दूं कि सिविल डिपार्टमेंट का स्टील फिक्सर मेसन सेटरिंग कारपेंटर, ठीक है ना, और टाइल मेसन, इसका रिक्वायरमेंट चल रहा है। और पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर और वेल्डर, और इसके बाद से सिविल फोरमैन, इसका रिक्वायरमेंट मैकेनिकल का चल रहा है यहाँ पे डायनेमिक में। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी आप इसमें नहीं जाना है, अर्जेंट को मत पकड़ना है, पकड़ना ही नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं तो फंस जाएंगे, 2 लाख रुपये का सवाल है समझ लीजिए, तो फिर आप ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई भी हमारे गरीब भाई फंसे पहला नंबर, क्योंकि अपने यहाँ लुटेरे बहुत है समझ लीजिए, एकदम समझ लीजिए कि दुकान खोल खोल के बैठे हैं, समझ लीजिए इतना लोग है, आप इस तो इतना खोले हैं ना कि पूछिए मत, समझ लीजिए आपको फंसाने वाला, मेडिकल करा करा के और पैसा बना लेते हैं, समझ लीजिए कि अगर 100 आदमी का मेडिकल होगा, 5,000 एक आदमी से लिया तो सोच लीजिए कितना, 5 लाख रुपये तुरंत बन गया। उसके बाद से कुछ क्लाइंट बना कर लिया, लाए रहेंगे, उसको 50,000 दे देंगे, बाकी 4.5 लाख रुपये बगली में रख के गायब हो जाएंगे, पासपोर्ट भी आपका नहीं मिलेगा, 2-4 साल के बाद देंगे, उसका भी पैसा लेंगे, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्यों मैं अच्छी आप इसके बारे में बताता हूँ, आप लोग को इतना इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरा मकसद यही है, अभी इतने रात को क्यों वीडियो बना रहा हूँ रात को 12 बजे, क्योंकि आप लोग का कुछ हेल्प हो जाए फ्रेंड। मैं नहीं सोचता हूँ कि हम लोग जैसे जैसे फंसे हैं आप लोग न फंसे, समझ लीजिए। और आप लोग जो भी हमारे गरीब भाई हैं, उन लोग का फ्री में फ्लाइट हो, कम पैसा में फ्लाइट हो, और अच्छा फ्लाइट हो, और अच्छा सैलरी लगे, ठीक है ना, मेरा यही मकसद रहता है, आप लोग का हेल्प किया जाए। तो फ्रेंड वीडियो को लंबा ना करते हुए अभी वीडियो का दिन यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।